अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं रज़वी मीडिया में शेख सज्जाद हुसैन रज़वी। इसे आप पूरा सुनना मज़ा ना आए तो मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर लिखना कि कैसा लगा। हमारी तारीख में एक बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्लाह बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने तमाम ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफहूम ये था कि जिसने जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा, जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी हो तो किसी वजह से नहीं हुआ और वह मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब यह हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही है, और होना ही है तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की। वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े और नमाज फज्र बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था, और बैठाकर पूछा कि हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ। खैर तो है, आपने पूछा कि यार ये तो बताओ, यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा क्यों मारते हैं। हुजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसते लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वह उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वह हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया कि असर किसने देखी। कहा वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा कि हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया, और आप फरमाते हैं कि मैं जंगल गया। वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर। वो उस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है, शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करेगी वो अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वह जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया कि दो हैरान कर देने वाले मनाजिर थे। पहला, मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। जो बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा, क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कभी इधर कभी उधर जाती हैं। और आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
अगर कोई बकरी भागती तो उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़ कर वापस ले आता, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं कि मैं दंग हैरान और परेशान खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं कि ऐ अब्दुल्लाह, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात हुई नहीं हमारी, तो मेरा नाम तुम कैसे पता चला। आपको तो जवाब क्या मिला कि हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं कि अब्दुल्लाह, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे आपसे ज़्यादा हैरान किया वो यह था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हज़रत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये तो बताओ कि ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली। तो ये ग़िज़ा है उनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा क्या, ये मामला कैसा हो गया। तो हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं कि जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। हम सब भी सुलह कर लें, यारी लगा लें, कहीं देर ना हो जाए, रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लें। कितने साल गुजर गए, हमने कोई अल्लाह की बात मानी, लेकिन वो खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, दिखा भी रहा है और सुना भी रहा है, सुला भी रहा है, जगा भी रहा है। नमाज पढ़े, अल्लाह की याद में ज़िंदगी बसर करें, यही हकीकी कामयाबी है। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। जज़ाकअल्लाह खैर।